स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर सामान्य वर्ग से जुड़े कई संगठनों ने आज प्रदेश सचिवालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से शिमला में जुटे सामान्य वर्ग के लोगों ने खलीनी से लेकर प्रदेश सचिवालय तक रैली निकाली व चक्का जाम किया। धरने में प्रदेश भर के हजारों लोगों ने भाग लिया। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के अध्यक्ष रुमित ठाकुर ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री आयोग के गठन का आश्वासन नहीं देते हैं, वे यहां से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज बहुसंख्या में है, लेकिन आज हमारी अनदेखी हो रही है। दूसरे राज्यों में भी स्वर्ण आयोग का गठन किया गया है। अगर हिमाचल में ऐसा नहीं होता है तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन कोरोना के नाम पर उन्हें हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन देश में चुनाव हो रहे हैं, जहां लाखों की भीड़ जमा हो रही है, वहां कानून का कोई नाम नहीं है। जी देखिए, जैसा कि पूरा प्रदेश जानता है, सरकार जानती है, हमारा पूरा स्वर्ण समाज जानता है कि 12 तारीख से हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे थे और 16 तारीख से हमारा जो अमरण अनशन है वो शुरू कर दिया गया था। जैसा कि हमने कहा, आपके मीडिया के माध्यम से भी हमने प्रदेश सरकार के सामने बात रखी कि 20 अप्रैल के दिन अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार हमारी स्वर्ण आयोग गठन की मांग को पूरा नहीं करती, देखिए इस प्रदेश की सरकार के सामने हमने सिर्फ मात्र एक मांग रखी, स्वर्ण आयोग गठन। इसके अलावा ना हमने किसी के अधिकार छीनने की बात करी, ना किसी का हक मांगने की बात करी, और मुझे लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आज 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल को हमने एक महा ऐलान भी किया है कि अगर आज भी, आज के दिन भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस स्वर्ण समाज की, इस स्वर्ण आयोग गठन की मांग को अनदेखा करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, अनसुना करते हैं, और देखिए हम यहां पर आज अगर एकत्रित हो रहे हैं तो हम किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन लेने के लिए हम लोग एकत्रित नहीं हुए। हमें स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा चाहिए, स्वर्ण आयोग गठन लेकर ही हम लोग यहां से हम लोग वापिस जाएंगे। उसके अगर मुख्यमंत्री घोषणा नहीं करते, हम बैठे हैं सचिवालय के सामने। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का आज जो कार्यालय है, सचिवालय, इसको बंद करने हम लोग बैठेंगे। हमारे लोग मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर पूरी तरीके से तैयार होकर आए हैं कि अगर इस हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कोई लाठियां भी चलानी होगी तो हम वो लाठियां खाने के लिए भी तैयार है। इस मामले पर मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सामान्य वर्ग के लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं, इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 महीने में इस पर बैठक होगी, जिसमें आयोग बनाने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। आज अभी थोड़ी देर पहले सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के साथ संपन्न हुई है, और आज सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने एक प्रदर्शन भी किया है और उसमें अमरण अनशन पर भी इनके कुछ लोग बैठे हैं, और उसमें जो इनकी मांग है कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए, और उस सारे विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी की और इनके पदाधिकारियों की भी चर्चा हुई है, और उसमें ये कहा है कि हम लगभग 3 महीने का समय हमने निर्धारित किया है कि 3 महीने के भीतर भीतर हम इस पर अगली बैठक करेंगे और उस बैठक में विचार करेंगे कि सबका सब काम हमको कैसे करना है। और अभी मैं जो इनके पदाधिकारी अमरण अनशन पर बैठे हैं उसको तुड़वाने के लिए भी जा रहा हूं, उसके लिए भी निवेदन करूंगा। मदन ठाकुर जी बैठे हैं तो अब उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने अनशन को तोड़ें और हम जूस पिला करके उनको घर वापसी कुशल भेजें, और बाकी 3 महीने के भीतर आगामी बैठक तय करके आगामी जो रणनीति है और आगामी जो निर्णय है वो उसमें किया जाएगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। रेगुलर हैंड हाइजीन, वन मस्ट वॉश हिज हैंड्स रेगुलरली either with soap and water or by using the hand sanitizer which are available. Secondly, one must cover his cough. When you're coughing, cough into a tissue and dispose of the tissue. If you're coughing into a hanky, keep it properly isolated and make sure it's washed properly. If you have cough, cough in, onto your elbow so that you don't spread the infection. The infection spreads from one person to the other by droplet route. So when we cough, and the cough particles
carry the virus in them, and the virus then stays in the environment or in the air for some time. And if another person who comes in contact or is in close contact with this person, he will inhale those virus through when he breathes in, and that will cause the infection to the other person. And in this way, the human-to-human spread starts and a chain starts, and from one index case, many people start getting the infection. Therefore, if we cover our cough and we wash our hands properly, we can prevent the transmission and therefore prevent the infection from spreading in the community, especially to our near and dear ones who are in close contact with us. कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइफ टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।